So guys, as of now, we are in Panbu Dada. So, आप लोग चारखोल लोले गांव से डायरेक्टली अराउंड 15 किलोमीटर के दूरी में आप लोग को ये मिल जाएगा, तो आप लोग आसानी से आ सकते हो. सो यहाँ से आप लोग आसानी से जो प्लेन साइड का नज़ारा भी देख सकते हो. एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल कोरोनेशन ब्रिज एज वेल, तो यहाँ से आप उसका व्यू भी आप आसानी से ले सकते हो. आप लोग 360 व्यू का मज़ा ले सकते हो. ब्रिज मैं यहाँ से होके जाऊंगा. अभी फिलहाल मैं यहाँ के रोड पनबू रोड से आ रहा हूँ, ये बागपुल होके मैं जा रहा हूँ. तो एज यू कैन सी आप लोग देख सकते हो, ये कोरोनेशन ब्रिज, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू. एंड जो पनबू डांडा से भी आप लोग ये व्यू आसानी से देख सकते. ये रहा मेन हाईवे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शायद मेन हाईवे जो सिक्किम कालिम्पोंग दार्जिलिंग के लिए है. एंड अभी मैं हूँ पनबू डांडा, पनबू से थोड़ा आगे जो जंगल का रास्ता में हूँ अभी फिलहाल. एंड गाइज आप लोग देख सकते हो ये 27 माइल डैम, तो यहाँ से क्रॉस करते हुए मेरे को जाना होगा. एंड गाइज फाइनली मैं ये डैम को क्रॉस करते हुए सभी मैं फिलहाल यहाँ पे हूँ. और मैं ये पहाड़ होके आया, जो मेन गेट है यहाँ से एंट्री होने का और सीधा आने का और बागपुल के तरफ जाने का. सो एज यू कैन सी हियर इज द कोरोनेशन ब्रिज एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल टिस्टा रिवर. सो आप लोग देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट का एक मेन, नॉर्थ ईस्ट आने का मेन हाईवे जो कोरोनेशन ब्रिज होके आप लोग जा सकते हो. एंड विच इज कम्स फ्रॉम दिस वे बागडोगरा सिलीगुड़ी. अब इसका भी दूसरा अल्टरनेटिव बनने वाला है ये ब्रिज का भी, बिकॉज ये ब्रिज बहुत पुराना ब्रिज है. तो आप लोग देख सकते हो अभी जो पानी का रफ्तार है बहुत तेज है. बाग पुल भी बोला जाता है, एक्चुअली इसका नाम कोरोनेशन ब्रिज है. तो ये
जो ब्रिटिश का टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। अभी ब्रिटिश के टाइम से लेकर अभी तक ये जिंदा है, लेकिन अभी इसका हाल थोड़ा बुरा है। जो नॉर्थ ईस्ट को जुड़ने वाला ये मेन ब्रिज है, तो इसको हम लोग चिकन नेक भी बोला जाता है, यही पार्ट्स को चिकन नेक भी बोला जाता है। तो यहाँ से मेन हाईवे जो पहाड़ की तरफ गया है, तो दार्जिलिंग कालिम्पोंग एंड सिक्किम के लिए